स्वागत है हमारे प्रिय मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ऐसी शुभ प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करते हुए लेकर आई हूँ आप सभी के स्वप्न का फल। एक बार फिर से चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। स्वप्न में अगर आपने देखा है आम में कच्चा आम, तो उसका क्या फल हो सकता है? दोस्तों, स्वप्न में कभी भी कुछ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन हर सपना अलग अलग जिस तरह होता है, ऐसे ही उसका फल भी तरह तरह का ही होता है। ये सपने हमें आगे के जीवन का संकेत अच्छे बुरे का देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं स्वप्न में आम में कच्चा आम देखना कैसा होता है। तो दोस्तों, ये स्वप्न अगर आपने सपने कच्चा आम देखा घर में रखा हुआ, या अपने बगीचे पेड़ में लगा हुआ, या ज़मीन पर गिरा हुआ, तो दोस्तों ये थोड़ा सा अमंगल अशुभ माना जाता है। आपको थोड़ी हानि पहुँच सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई स्त्री देखती है कच्चा आम कटा हुआ या साबुत, तो उसे गर्भवती है अगर, तो उसे कन्या की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कन्या होना तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है, और बिना कन्या के घर पवित्र नहीं होता है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो उनका सम्मान करिए। तो दोस्तों, सपने में ये था कच्चे आम को देखने का शुभाशुभ फल। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से वादा करती हूँ फिर से मिलूँगी। लेकिन मिलने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बटन दबाइए। देखते रहिए अपने सपनों का फल। और दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।